सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में राजन शाही की अध्यक्षता में नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने भारी संख्या में एससी एसटी एक्ट और पदोन्नति में आरक्षण कानून वापस किए जाने के लिए धरना दिया। नागरिक मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि एक वर्ग विशेष के हाथों में ऐसा मारक हथियार थमा दिया गया है जिससे वह जब चाहे अगड़ा पिछड़ा कहे जाने वाले वर्ग और सिख जैन बौद्ध और मुस्लिम आदि अल्पसंख्यक समुदाय को ब्लैकमेल कर सकेगा, उनका दमन और उत्पीड़न कर सकेगा। यह दोनों कानून आने वाले समय में जाति संघर्ष की जमीन तैयार करेंगे जिसे देश और समाज टूटने की ओर अग्रसर हो जाएगा, जिसका नागरिक मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। इस अवसर पर रघुनाथ चंद्र, गुड्डू सिंह, संजय राज सिंह, अमरेंद्र शाही, हरिश्चंद्र यादव, राजेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में नागरिक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष राजन शाही ने कहा, शाही जी, आप सभी लोग जो हिंदू धर्म बांटने का कार्यक्रम किया, उस वादा को नहीं पूरा किया और आज तक 1 करोड़ भी नहीं पूरा कर चुके। 70% लोगों को खुश करने के लिए 22% को 22% को खुश करने के लिए 70% लोगों को नकारा है। पढ़कर उसी नगर से चलकर आए इस आंदोलन को ताकत देने के लिए, जो सिर्फ अखबारों में पढ़कर कि नागरिक मोर्चा ने गोरखपुर में इस आंदोलन का बात रखे संक्षेप में, बड़ा अभिनंदन उनका है जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। राजन शाही, एससी एसटी और प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये दो जो संसद में विधेयक ले आकर के जो दो काला कानून बनाया गया है, वह हिंदुस्तान के 78% आबादी के अस्तित्व के ऊपर तमाचा मारा गया है और मात्र 22% लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने इस तरह का एक्ट बनाया है, जो हिंदुस्तान का नौजवान अब उनको माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि यह नौजवानों का देश है और नौजवान जाग चुका है और हम लोगों ने मुहिम छेड़ दिया है और ये आंदोलन हम लोग देश स्तर पर खड़ा करेंगे। क्या अगली रणनीति क्या होगी? अब साथियों के साथ बैठक करके हम तय करेंगे और यह तो समझ लिए अभी बीजारोपण हुआ है, यह तो अभी प्रारंभिक चीज़ है, आज ये हमारा अंत नहीं है, अभी शुरुआत है, यहाँ से बहुत कुछ करना है। अभी कहाँ कहाँ से लोग शामिल हुए? पूरे जिले के कोने कोने से लोग आए हैं।